हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक हेयर मास्क दिखाने वाली हूँ और ये मैं अप्लाई किया था और मैं काफ़ी दिनों से ये अप्लाई कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करूँगी। तो अच्छा रिज़ल्ट आया, आप लोगों को भी हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस, चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ ली मैं इसके लिए। तो पहले देखिए, दो बनाना मैं ली, ये मेरा जो बालों के अकॉर्डिंग मैं ली, तो आप अपना बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये अच्छी तरह से पकना चाहिए तो अच्छा होगा। सो गाइस, मैं यहाँ पे हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो अभी गर्मी के टाइम है इसीलिए मैं हेयर ऑयल दो चम्मच ली। और यहाँ पे मैं काट ली, मतलब दही है ये, और उसके साथ मैं इवियन 400 है ये, तो ये मैं दो ली मेरे बालों के अकॉर्डिंग। तो आप अपना बालों के हिसाब से आप ले सकते हैं। सो गाइस, देखिए ऐसे करके आपको कांची से काट करके पूरा जो उसमें जो लिक्विड है वो सब निकालना है। थोड़ा सा पुश करने से ये निकल आएगा। तो देखिए, ये ग्राइंड करने के बाद ऐसे आया है। मैं एक बोल पे ये ले रही हूँ और उसके बाद मैं ये जो है वो अप्लाई करूँगी। सो गाइस, अप्लाई करने से पहले जो नए हैं, जो मुझे नहीं जानते, मैं हूँ अंजलि और ये चैनल है अंजलि स्टार्च। जो नया सब्सक्राइबर्स है सबको थैंक यू सो मच, और जो पुराना सब्सक्राइबर्स है सबको थैंक यू सो मच। जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखिए, मैं अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से कोम कर लूँगी, ट्रायंगल फी कर लूँगी और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे और जो है ये जो मास्क है ये आप जो क्लीन बालों पे आपको अप्लाई करना है, तभी जाके अच्छा काम आएगा, मतलब रिज़ल्ट अच्छा आएगा। क्लीन बालों में ये एब्जॉर्ब होगा, आपका स्काल जब क्लीन होगा ना, तभी ये जो हम अप्लाई करेंगे तब जाके वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा आपका। तो देखिए, मैं कोम करके ली। तो देखिए, अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, पूरा बंद हो गया है, सब कुछ बंद है। अभी कल से होगा, मतलब अभी अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा था, बट कल से एकदम से सब कुछ बंद है। ऑफिस मतलब जो काम धाम चल रहा था थोड़ा थोड़ा, सो सब कुछ बंद है। तो मैं अभी घर पे ही हूँ, तो मैं घर पे ही वीडियो बनाऊंगी। पार्लर पे जो काम होता है वो तो सब बंद है। सो गाइस, आप रहिए मेरे साथ, देखिए मैं क्या क्या करती हूँ घर पे, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। मैं कल लाइव आई थी, वो लाइव अच्छा नहीं था क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था, हेजी आ रहा था। तो गाइस देखिए, इस तरह छोटा छोटा सेक्शन लेके आपको अप्लाई करना है पूरा बालों में, जैसे स्पा को अप्लाई करते हैं ना, ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। अच्छी तरह से आपको सब बालों में लगाना है। तो देखिए, मैं छोटा छोटा सेक्शन करके ऐसे करके हम अप्लाई कर रही हूँ, तो आप लोग भी करिए। जिसका छोटा बाल है वो तो ठीक ठाक है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट लॉन्ग बालों पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो आप देख रही हैं मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, ऐसे आप करो तो कुछ नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ऐसे कर सकते हो। सो गाइस, तो मैं जो कह रही थी, मैं घर पे रहूँगी अभी से, तो क्या करें, तब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, मैं रहूँगी। सो गाइस, आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। जो अभी कोरोना का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, हमारे यहाँ भी ख़राब है। सो गाइस, क्या करें हम, कोई कौन रहे और कौन जाए, यही एक बात है। मतलब मैं हंस रही हूँ, बट इतना बुरी खबर है
क्या करे, जीना तो है, इसके साथ ही जीना होगा हम लोगों को। सो गाइस, जितने दिन हो सके हम ऐसे ही जीऊं मस्ती में, और क्या करे, कुछ मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं कि नहीं, ये सब जो प्रॉब्लम है कब जाएगा कुछ पता नहीं। सो गाइस, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, आप लोग जहाँ पे हो सब ठीक ठाक रहिए, सुस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए, घर वालों को भी ख्याल रखिएगा, ज़्यादा बाहर मत निकालिए, और मास्क सैनिटाइज़र ये तो आप लोगों को कॉमन है अभी, तो ये आपके पास होना चाहिए, आपको जब रखिएगा, जब भी आप बाहर जाओ, मतलब कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो आप बाहर जाइए, अदरवाइज़ नहीं, आप घर पे रुकिए, कुछ नहीं कर सकते, अभी जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब है। सो कल का जो वीडियो आया था, मतलब कल मैं लाइव आई थी ईद मुबारक के लिए, सबको ईद मुबारक कहने के लिए मैं आई हूँ, बट देखिए वो क्या हुआ था कि मेरा जो नेटवर्क है, मतलब मेरे फ़ोन पे जो नेटवर्क है मैं वही से कर रही थी, वाईफाई नहीं चलाया। सो इसीलिए इतना बुरा है, क्या कहे, वो नेटवर्क इतना ख़राब था कि हेजी आ रहा था, और मुझे ठीक, मैं जब कर रही थी ना लाइव तब ठीक ठाक था, बट बाद में क्या हुआ। हाँ, जो मैं स्किप कर गई, यहाँ पे मैं दिखाना चाहती थी कि जब आप स्ट्रेट करना चाहते हो ना तो आप खुला रहिए, और नहीं तो आप ऐसे बांध बना के रख सकते हैं। आप जो लोग स्ट्रेट करना चाहते हैं, ये जो बनाना है ना, इसमें आप सिल्की स्मूथ होता है, बाल नरिश होता है, और एक तरफ आप कह सकते हैं कि ये कंडीशनर की भी काम करता है, बहुत ही अच्छा है। आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे करके आपको हफ्ते में 2 बार आप यूज़ करो ना काल वालों पे, तो आप खुला रखो तो अच्छा आपको स्ट्रेट हो जाता है इसमें। तो आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर ये यूज़ करो, 1 घंटा आप वेट करने के बाद शैम्पू देके वॉश कर सकते हो, नहीं तो जिसका बाल ज़्यादा काल है वो 2 घंटा भी रख सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं रखी अभी, मतलब मेरा तो स्ट्रेट बाल है, इसीलिए मैं वो 40 मिनट्स मैं रखी थी, और उसके बाद मैं शैम्पू करके आ गई हूँ। देखिए कितना स्मूथ हो गया है मेरा बाल, और नरिश भी हो गया है, बहुत ही अच्छा ये हेयर मास्क है। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, आप अभी तो सब लोग घर पे ही हो तो घर पे रहो और ये यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा आएगा आपका बाल। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आप खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, लव यू, थैंक यू, बाय।